बाजू ने मुझे आज भी बहुत जताया। तूने देखा क्या? टीचर को बताई मैं, वो कुछ भी नहीं करते। उसका स्कूल है ना ये? मुझे ये स्कूल में पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कहीं और स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। सबके लिए एक हल निकलाएगा, इंतजार करेंगे। बना रही हो तुम? Oh my God, अभी क्या समय हुआ है? मुझे पता नहीं, मैं यहाँ कैसे आई, मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे हाथ अपने आप चल रहा है, ये सब कैसे हो रहा है? है? ये बहुत ही बढ़िया है, इसको हम लाल रंग देंगे। गॉड, हमने तो लाल रंग दिया था, लेकिन ब्लू कैसे आया? इट्स वंडरफुल। अरे मुझे तो बहुत दर्द लग रही है। ये तो आंखें भी खोल दिया। ये चीज जीवित है, ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे। हमारे दोस्त हो? तुम्हारा नाम क्या है? छोटा शैतान। छोटा शैतान? हाँ, मैं यहाँ तुम लोगों का अभ्यास करने नहीं आया, लेकिन तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज मुझे मदद करेंगे? मुझे ये कंप्यूटर से बाहर जाना है। अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो तुम क्या करोगे? तुम लोग जो ही चाहते हो वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तो फिर अभी मैं कुछ कहता हूँ, तुम हमें करके दिखाओगे? सॉरी, मुझे कुछ भी करना है तो पहले इसे बाहर निकलना पड़ेगा। अभी मेरे पास कोई शक्ति नहीं। तुम जल्दी बताओ, हमें क्या करना चाहिए? कल तुम लोगों को एक चीज मिली थी रास्ते से। हाँ जी, मैंने अपने पास वो सुरक्षित रखी हूँ। हाँ, वो तुम्हें प्रोफेसर भगत के गेट के बाहर से मिला था। भगत के पास ही था वो चीज। मुझे बुरी चीजें करने के लिए इस्तेमाल किया था। प्रोफेसर भगत अभी चाहते हैं ये दुनिया का ही सर्वनाश हो। Oh my God, is it true? जी जरूर, उनके पास मेरा सारा जीवन है। वो चीज उन्होंने जहाँ से मैं आया वहाँ से चुराया था। ये सब मैं जानता हूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग कर सकते हो। मुझे मेरी बाकी बची हुई जिंदगी भी चाहिए। मेरी सौभाग्य है कि मैं तुम लोगों के पास आ सका। तुम्हारी बाकी हुई जिंदगी? हाँ, उस चीज के अंदर एक मनका है। उस मनका से ही मेरी बाकी जिंदगी मुझे मिलेगा। लेकिन उनके पास है वो, लेकिन आपके पास वो चीज है, इसलिए मैं इधर आ पाया और आपसे ये बात कर सका। इसका मतलब है तुम बाहर नहीं निकल सकते हो, ये बहुत बुरा है। इसीलिए मैं आप लोगों का सहायता चाहता हूँ। प्रोफेसर भगत के पास जो है वो मनका किसी भी तरह ढूंढ के निकालोगे और इस चीज के अंदर डालोगे तो फिर मैं बाहर निकल सकता हूँ और पूरी जिंदगी मुझे वापस मिलेगा और मैं इस कंप्यूटर से बाहर निकलूंगा। जो मुझे खत्म करके दुनिया को सर्वनाश करना चाहता है उसको एक पाठ सिखाना पड़ेगा।
अगर ऐसा है तो वो मनका कहाँ पे है? हम जाके उसको लेके आएंगे। क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? वो मनका भगत के पास है, लेकिन वो किधर है वो मुझे पता नहीं। वही तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, तुम लोगों को बहुत संभालना पड़ेगा। वो कुछ भी करेगा, उसके पास सारी ताकत है। तुम फिकर मत करो, वो किसी भी तरह हम बिल्कुल लेके आएंगे। उसके बाद ही वो बाचू को भी दिखाएंगे हम कौन है। उसके बाद हम प्रोफेसर बाकत को देख लेंगे। जो तुम चाहो, तब तक के लिए इस कंप्यूटर में मुझे सेव करके रखना। ठीक है, गुड बाय छोटा शैतान। गुड बाय। अरे मेरे भाई, अब तक उठा नहीं। भैया उठो, आज रविवार है, आज बकत के पास जाके वो मनका लेके आना है। वो तो सही है, मैं तो सो ही गया, अभी रेडी हो जाएंगे। भैया थोड़ा धीरे चलो, हमें किसी भी तरह छोटा चेतन को बचाना पड़ेगा। वो भी सही है, मैं तो भूल ही गई, उस छोटे शैतान के बारे में सिर्फ हम दोनों को पता चलना काफी है।